Right. Now we will discuss about the radial artery. हमने स्टडी की थी पीछे पहले कि ब्रेकियल आर्टरी जब क्यूबिटल फोसा में आती है तो वो दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. एक आपके पास थी रेडियल आर्टरी और दूसरी आपके पास थी अल्नर आर्टरी. जो रेडियल आर्टरी थी वो रेडियस मतलब जो रेडियल बोन पड़ी होती है बीच फोरआर्म में लेटरल साइड पे, ये देख सकते हैं थंब वाली साइड पे, तो उस साइड पे चले जाती है. जो दूसरी होती है अल्नर आर्टरी वो अल्ना की साइड पे चली जाती है. अच्छा, क्यूबिटल फोसा में इसने डिवाइड होके आगे क्या क्या ब्रेकियल आर्टरी ने डिवाइड होके आगे ये देखें रेडियल आर्टरी थी और क्या थी अल्नर आर्टरी थी. अब रेडियल आर्टरी और अर्नल आर्टरी की अल्नर आर्टरी की दोनों की एक चीज़ कॉमन है कि जब ये रिस्ट ज्वाइंट क्रॉस करती हैं और हैंड में पहुंचती हैं तो ये दोनों क्या करती हैं डिवाइड हो जाती हैं दो ब्रांचेस में. टर्मिनल इनकी जब हैंड में जब जाती हैं तो टर्मिनल दो ब्रांचेस दे देती हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप ब्रांच देंगी. जो सुपरफिशियल होगी वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में पाल्मर आर्च में चली जाएगी, जो डीप होगी वो डीप पाल्मर आर्च में चली जाएगी. अब हम इसका कोर्स देखते हैं. कोर्स से क्या कहाँ से शुरू करेंगे, इट इज स्टार्ट इन द क्यूबिटल फोसा विच दैट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी से ये जो रेडियल आर्टरी होती है वो स्मॉल होती है. अच्छा, एक्सटेंड डाउनवर्ड इन द फोरआर्म एंड रीच इनटू द पाम एंड डिवाइडेड इनटू द टू टर्मिनल ब्रांचेस सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच. अच्छा, यहाँ पे हम एक और बात करते हैं कि जब इसके कोर्स की बात करते हैं साथ ही इसको रिलेशन के भी थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं. ये देखिए ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल आ रहा है एक चीज. एंटीरियरली जब ये क्रॉस करेगी तो एंटीरियरली आपके पास ब्रेकियो रेडियलिस मसल आ गया. जैसे ही हम ब्रेकियो रेडियलिस मसल उठाते हैं तो नीचे क्या पड़ेगा आपके पास रेडियल नर्व रेडियल आर्टरी पड़ी हुई है. अब रेडियल आर्टरी आगे क्या करती है, जब लोअर ये देखें अपर हाफ ऑफ द फोरआर्म में ये ब्रेकियो रेडियलिस मसल के बिलो चलती है. जैसे ही हम लोअर हाफ पे आते हैं तो ये क्या हो जाती है सुपरफिशियल हो जाती है, क्वाइट सुपरफिशियल, और उसके ऊपर सिर्फ स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया आ रहे होते हैं, ऊपर कोई मसल नहीं आ रहा होता. फिर ये क्या करेगी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अबाव जाके इसने दो ब्रांचेस देनी है, एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अबाव चली जाएगी सुपरफिशियल और दूसरी जो है ना एक फेशिया उस फेशिया के बिलो चली जाएगी. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बिलो पड़ा रहेगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बिलो पास आउट नहीं होती. अच्छा, ये क्या करेगी यहाँ आके टर्मिनेट हो जाएगी रेडियल नर्व क्या करेगी एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पहले दे देगी. ये देखें ये क्या कहाँ चली जाएगी पाम में चली जाएगी और जो डीप ब्रांच होगी वो थोड़ी सी पोस्टीरियर चली जाएगी. ये देखें ऐसे पोस्टीरियर जाएगी और एनाटॉमिकल स्नॉप बॉक्स से होके फिर इसने इधर आना है. ये यहाँ पे इधर से बैक से टर्न आउट होके थम के बैक से एनाटॉमिकल स्नॉप बॉक्स बनेगा, वहां से होके आएगी. यहाँ से देखें आप जरा, ये हमने दो ब्रांचेस की बात की थी रेडियल आर्टरी ये आ गई आपके पास. ये देखें यहाँ पे क्या हुआ रेडियल आर्टरी दो में डिवाइड हुई, ये सुपरफिशियल ब्रांच एंटीरियरली चली गई पाम के अंदर और इसने क्या किया आगे सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना दी. ये देखें सुपरफिशियल पाल्मर आर्च. अच्छा, उसको अगर हम फर्दर देखते हैं तो जो डीप ब्रांच थी वो किधर चली गई पोस्टीरियरली चली गई. ये देखें थंब के बैक पे जा रही है और यहाँ पे ही थंब के बैक पे एनाटॉमिकल स्नॉप बॉक्स बनेगा, उसको भी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, उसमें क्या बनता है ये देखें, उसमें वो आगे फर्दर ब्रांचेस देती है और वो फिर डीप पाल्मर आर्च में पार्टिसिपेट कर देती है. ये देखें इसी तरह ही जब अल्नर आर्टरी की हम बात करेंगे अल्नर आर्टरी भी यहाँ आके क्या करेगी दो में डिवाइड हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी सुपरफिशियल और डीप ब्रांच. हम वो भी फिर उसी तरह उसमें पाल्मर आर्च में पार्टिसिपेट करेगी. हम उसकी बात कर रहे थे रिलेशन की बात कर रहे थे कोर्स और रिलेशन. कोर्स हो गया कि एक्सटेंशन टर्मिनल ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की स्टार्ट कहाँ से होती है क्यूबिटल फोसा से, टर्मिनेट कहाँ जाके होती है इन फ्रंट ऑफ द एट रेस्ट ज्वाइंट, वहाँ पे क्या करती है एक डीप ब्रांच देती है एक सुपरफिशियल. डीप ब्रांच कहाँ चली जाएगी बैक साइड पे आर्म के सॉरी बैक साइड ऑफ द हैंड के वहाँ क्यूबिटल फोसा में, और जो सुपरफिशियल ब्रांच होगी वो सुपरफिशियल सुपरफिशियल कहाँ पे चलेगी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल पास आउट होके
पाम में चली जाएगी, वहां जाके उसने ब्रांचेस देंगे, वहां जाके उसने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में पार्टिसिपेट करना है, जो डीप वाली हुई डीप पाल्मर आर्च में पार्टिसिपेट करेगी। इसको हम इसके रिलेशन की बात कर रहे थे, तो एंटीरियरली आपके पास क्या आ गया, ब्रेकियो अपर पार्ट पे ब्रेकियो रेडियलिस मसल आ गया। जब हम लोअर पार्ट पे आते हैं तो ये सुपरफिशियल हो जाती है, मतलब उसके फ्रंट पे स्किन सुपरफिशियल फेशियल डीप फेशिया आ जाएगा। इसके अगर हम पोस्टीरियर मतलब इसके बिलो क्या पड़ा है उसके रिलेशन की बात करें पोस्टीरियरली, तो यहाँ देखें आपके पास ये रेडियल, यहाँ पे एक तो टेंडन आ रहा है, ये बाइसेप्स का टेंडन जा रहा है, ये इसके बैक पे जा रहा है बिल्कुल, ये देखिए नीचे नीचे चला गया बाइसेप, बाइसेप का टेंडन। फिर आगे क्या होगा कि यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल होगा, वो उसके ऊपर चलती रहेगी। ये यहाँ जब आएगी तो यहाँ पे क्वाड्रा एंगुलर मसल्स यहाँ पे पड़ा होता है एक बैंड की तरह, उसके ऊपर से पास आउट होकर चली जाएगी। मिडिल मिडिल साइड पे आप देखना चाहते हैं ना, मिडिल साइड पे आपके पास ये फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस मसल, ये देखें ये ट्रेवल कर रहा है लोअर हाफ में। अच्छा, इसके ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो ब्रांचेस एक आपको क्या देती है, एक रिकरेंट ब्रांच देती है, ये देखिए रिकरेंट रेडियल आर्टरी, ये वापस जा रही है, ये रिकरेंट रेडियल आर्टरी जो हमने एल्बो ज्वाइंट में देखी थी कि एनास्मोसिस कर रही थी। एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई के साथ। फिर हमने क्या देखा, बाकी यहाँ पे जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म है उसको मस्कुलर सप्लाई देगी, और यहाँ आके इसने दो टर्मिनल ब्रांचेस दें सुपरफिशियल और डीप। उससे पहले यहाँ पे जो है ना दो ब्रांचेस देती है, उसको हम एक पाल्मर कार्पल ब्रांच होती है, एक डॉर्सल कार्पल ब्रांच होती है, उसको हम यहाँ से देखें जरा इस पिक से, ये देखिए ये रेडियल आर्टरी आ रही है, ये बैक पे चली गई, ये फ्रंट पे आ गई। उससे पहले ये आपके पास कौन सी डीप ब्रांच है, ये सुपरफिशियल ब्रांच है। अच्छा, उससे पहले इसने क्या दिया, यहाँ पे दो ब्रांचेस दी, एक ये देखिए एंटीरियर साइड पे आ रही है इधर से, और इसी तरह एक पोस्टीरियर साइड पे चलेगी जाएगी बैक ऑफ द रिस्ट ज्वाइंट पे। इनको हम एक या क्योंकि यहाँ पे कार्पल जोन पड़ी होती है तो इस वजह से इनका नेम हमने क्या कार्पल कह देंगे। अब जो पाम वाली साइड पे आ जाएगी उसे हम पाल्मर कार्पल बोल देंगे, जो डार्सम पे चले जाएगी मतलब बैक साइड पे चले जाएगी उसे हम पाल्मर डार्सल बोल देंगे। इसी तरह ये सेम दो ब्रांचेस देगी इधर से, पाल्मर कार्पल अल्नर और पाल्मर डार्सल अल्नर, वो ब्रांचेस देंगी। तो वो क्या ये चारों क्या करेंगे, अनास्टमोसिस बना देंगे अराउंड द रिस्ट ज्वाइंट। थैंक यू।